वेलकम टू द वैष्णवी पाठशाला। वैष्णवी पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लेकर के आए हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था अपने संवैधानिक संशोधन में, कि हम 42वें संवैधानिक संशोधन और 44वें संवैधानिक संशोधन को अलग से देखेंगे और उसको डिटेल्ड हम पढ़ेंगे, उसकी डिटेल जानकारी लेंगे। तो उसी वीडियो को आज हम आगे लेकर के आए हैं। इसमें हम 42वें संवैधानिक संशोधन और 44वें संवैधानिक संशोधन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, उनका डिटेल अध्ययन करेंगे। उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अगर हम नोटिफिकेशन डालते हैं तो उसको आपको जानकारी मिल जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और किसी प्रकार का अगर सुझाव है तो कमेंट्स कीजिए। साथ में आपके व्हाट्सएप में, फेसबुक में जितने भी स्टडी से संबंधित ग्रुप हैं उनको सबको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 42वें संवैधानिक संशोधन से। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में लागू हुआ था। तो यहाँ पर से क्वेश्चन पुटअप होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वां संवैधानिक संशोधन किस सन में लागू हुआ था। तो 1976 इसका आंसर होगा। इसको एक ट्रिक हम जरा इसकी हम ट्रिक थोड़ा सा याद कर ले। देखिए, 4 और 2 को ऐड करें तो कितना होता है, 6। 44वें और 42वें संवैधानिक संशोधन में मोस्टली कन्फ्यूजन हो ही जाता है कि कब 78 है कब 76 है। तो यहाँ देखिए, 4 और 2 को जोड़ा कितना हुआ, 6। तो 1976 में आखिर में कितना आ रहा है, 6। तो 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, 76, यानी कि लास्ट में 6 आएगा, तो 1976। इसी तरीके से 44वां संवैधानिक संशोधन, 44वां संवैधानिक संशोधन, अब देखिए 44वां संवैधानिक संशोधन में 4 मिलाकर कितना हो रहा है, 8। आखिरी में कितना आ रहा है, 8, यानी कि 44वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, 1978 में, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को हुआ है। चलिए इससे क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड हैं सारे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। लघु संविधान इसको क्यों बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन जितने भी अभी तक पारित संशोधन हुए थे उनमें सबसे अधिक व्यापक था, यानी कि सबसे अधिक बदलाव इसी संवैधानिक संशोधन में किए गए थे, इसीलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है, अध्याय 4 का 14 का तथा 9 अनुच्छेद शामिल। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इसके द्वारा संविधान में 2 नए, यानी कि अध्याय 4 का के अंतर्गत 14 का तथा 9 अनुच्छेदों को शामिल किया गया था, किसके, 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। और नेक्स्ट पॉइंट है 52 अनुच्छेदों में संशोधन, यानी कि इसमें पूरे संवैधानिक संशोधन में 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, यानी कि 52 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको रेक्टिफाई किया गया था, अमेंडमेंट्स किया गया था, उनमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द उद्देशिका से जुड़े। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो इसमें ऑप्शन होते हैं 42वें 44वें, और कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द जो थे वो संवैधानिक संशोधन की उद्देशिका में जोड़े गए, किसमें, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 31 गा। अब अनुच्छेद 31 गा क्या है, अनुच्छेद 31 गा जो है नीति निदेशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए मूल अधिकार में जोड़ा गया था, यानी नीति निदेशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं उनको प्रभावित करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया गया था। इसके बाद बात करते हैं, अब नीति निदेशक तत्व क्या थे, नीति निदेशक तत्व जैसे कि इसमें 3 नए नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया था, जैसा कि पहला नीति निदेशक तत्व था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मीन्स हर किसी को न्याय समान मिलेगा, और विधिक सहायता के लिए यानी अगर आपका कोई केस है तो उसके लिए कोई फीस नहीं पड़ेगी, यानी निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत संशोधन इसमें किया गया था। इसके बाद उद्योगों के प्रबंधन में कार्यकार थे उनकी भागीदारी से संबंधित था अनुच्छेद 43 का, जो कि बताता है। इसके बाद अनुच्छेद 48 का में संशोधन किया गया, जो कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार या फिर वन्य या वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित था अनुच्छेद 48 का। तो इस प्रकार से इसमें 3 नए नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया अनुच्छेद 31 गा के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, 3 नए नीति निर्देशक शामिल किया गया और भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अध्याय
चार यानी कि अध्याय जो भाग चार का था कि अनुच्छेद 51 का जोड़ करके नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख उसमें किया गया, यानी ये बताया गया कि नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य हैं, 10 मूल कर्तव्य बताए गए अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत, जो कि भाग 4 का एक अध्याय था। इसके बाद अनुच्छेद 74। अब अनुच्छेद 74 क्या था? अनुच्छेद 74 ये बताता था कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। मीन्स मंत्रिपरिषद में जितने भी मेंबर हैं वो अगर कोई सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। ये अनुच्छेद 74 के अंतर्गत संशोधन किया गया। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 368 में खंड 4 व खंड 5 शामिल किए गए। अनुच्छेद 368 में दो नए खंड, खंड 4 और खंड 5 शामिल किए गए। अब खंड 4 का देख लेते हैं क्या था। तो खंड 4 क्या था, ये बताता है कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बस इतना सा कि संसद द्वारा कोई भी अगर संवैधानिक संशोधन किया गया है, संसद ने किसी भी संशोधन को वेरीफाई किया है या उसको संवैधानिक संशोधन किया है, तो न्यायालय में उसके प्रति कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये खंड 4 बताता है अनुच्छेद 368 का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, विधानसभा व लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की गई। यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया, तो उसका आंसर होगा 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया। अब अनुच्छेद 352 में संशोधन का मतलब क्या है? मतलब ये था कि राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी भी भाग में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि पूरे देश में ही उद्घोषणा करे आपात की, पूरे देश के साथ साथ किसी के देश के किसी एक छोटे से भाग में भी आपात की उद्घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। इसके बाद अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की अवधि 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की अवधि 6 माह से बढ़ा करके एक वर्ष कर दी गई। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष जो अवधि की गई थी आपात उद्घोषणा की, वो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई, तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, आगे यह भाग 14 गा जोड़ा गया। अब भाग 14 यहाँ पर भाग 14 का जोड़ा गया था, भाग 14 गा नहीं, भाग 14 का जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत दो मतलब अनुच्छेद आते थे, अनुच्छेद 223 का और अनुच्छेद 223 खा आते थे। संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया गया 14 का, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 223 व 223 का और खा खंड आते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कुछ विषय जैसे कि वन संपदा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, जीवों पक्षियों की सुरक्षा, बांट तथा मापो आदि विषयों के समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ से इसके पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं कि लाभ का पद संसद निर्धारित करेगा। ठीक है, लाभ का पद संसद निर्धारित करेगा, यानी कि लाभ का पद कौन है, कौन लाभ के पद पर है, इसका निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगा। ठीक है, इसके बाद केंद्र राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया, यानी कि केंद्र राज्य के किसी भी हिस्से में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर सकता है। और साथ ही ये जैसे कि वन संपदा से संबंधित विषय हैं, इनको भी जोड़ा गया। तो यहाँ पर 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या क्या संशोधन किए गए, इसको लघु संविधान कहा गया। अध्याय 4 का 14, अध्याय 4 का के अंतर्गत जो 14 का अनुच्छेद आता था, 9 आता था, उसमें शामिल किया गया। 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए। अनुच्छेद 31 गा के अंतर्गत 3 नए निदेशक तत्वों को शामिल किया गया, जिसमें अनुच्छेद 39 का आता था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 का आता है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। अनुच्छेद 48 का आता है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार व वन्य व वन्य जीवों की सुरक्षा। इसके बाद भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 74 में संशोधन करके ये बताया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना
मतलब सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 368 के खंड 4 व खंड 5 को शामिल किया गया, जो कि संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बारे में बताया गया, विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया। अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया, या जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी भी छोटे से भाग में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की अवधि 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष कर दी गई। और इसके साथ साथ अनुभाग 14 का जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद केंद्र राज्य के केंद्रीय राज्य के किसी भी हिस्से में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है, ये भी बताया गया। लाभ का पद कौन है कौन नहीं है ये कौन निर्धारित करेगा, संसद निर्धारित करेगी। अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड, खंड 4 व खंड 5 जोड़ दिए गए, ठीक। इसके बाद कुछ विषय जैसे कि वन संपदा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, जीवों पक्षियों की सुरक्षा, बाँट तथा माप आदि विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया, ठीक है ना। तो इतना सारा कुछ 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया। मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर का क्वेश्चन अगर 42वें संवैधानिक संशोधन से पूछा जाएगा तो कोई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के बारे में। तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 जो है, 1978 में इसका संशोधन किया गया, और इसके साथ साथ कुछ विषयों को इसमें शामिल किया गया। जैसे कि सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि जनता दल की सरकार द्वारा यह संशोधन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दल द्वारा ये संवैधानिक संशोधन किया गया है। तो जनता दल के द्वारा ये संवैधानिक संशोधन किया गया। ये संवैधानिक संशोधन इसलिए किया गया था कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जितने भी अनावश्यक परिवर्तन कर दिए गए थे, उन सारे अनावश्यक परिवर्तनों को इस संशोधन में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। अब अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा थी उसके आधार पर वहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द जुड़ा हुआ था, जिसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर लिया गया। तो सशस्त्र विद्रोह का शब्द किसमें शामिल किया गया, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट बात आती है, लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। मतलब अब यह है कि राष्ट्रपति अगर आपात की उद्घोषणा कर रहा है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर रहा है, तो वो लिखित होनी चाहिए, यानी मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सूचना दे दी जाएगी, तभी वो राष्ट्रीय आपात घोषित होगा। इसके बाद है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अब ये क्या है, इसमें क्या था, मूल अधिकार में जो था संपत्ति का अधिकार, यानी मूल अधिकार एक था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। उसको समाप्त करके इसको अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया, और इसके अंतर्गत इसको विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया, और अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19 का जो था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से इसके पॉइंट्स ये है कि जनता दल द्वारा ये लागू किया गया, अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। अब किसी भी प्रकार के अगर आपात अगर घोषित करता है राष्ट्रीय आपात, तो उसकी सूचना लिखित होनी चाहिए, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो 42वें संवैधानिक संशोधन में नेक्स्ट क्या क्या परिवर्तन किए गए देखते हैं। तो नेक्स्ट अनुच्छेद 74। अब अनुच्छेद 74 क्या है, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा अगर दोबारा वो रिपोर्ट भेजी जाती है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए पूरी तरीके से बाध्य होगा, ये अनुच्छेद 74 में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई है। अब 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया गया था कि उसकी अवधि जो लोकसभा या राज्य विधानसभाएं थी उनकी अवधि 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, क्योंकि ये जनता दल द्वारा किया गया था और इसको ये बता दिया गया था कि ये संवैधानिक संशोधन इसलिए हुआ था ताकि जो 42वें संवैधानिक संशोधन में जो अनावश्यक परिवर्तन हो गए थे, तो वो एक तरीके से 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जनता दल द्वारा अनावश्यक माना गया, तो उसको लोकसभा और विधानसभा की अवधि को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, यानी 6 वर्ष जो थी उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने के लिए अधिकारिता पुनः उच्चतम न्यायालय को प्रदान कर दी गई, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर संबंधी कोई विवाद है उनको हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को फिर से अधिकार दे दिया गया।
ठीक है ना। तो यहाँ पर 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया गया, सबसे पहले तो ये जनता दल द्वारा पेश किया गया था। और क्यों पेश किया गया था, क्योंकि जब 42वें संवैधानिक संशोधन में जो जो खराब के अमेंडमेंट हो गए थे, यानी अनावश्यक अमेंडमेंट हो गए थे, उनको दूर करने के लिए ये किया गया। और साथ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र शब्द को प्रयोग किया गया। लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, ये बताया गया। और संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उसको अनुच्छेद 374 का से हटा करके एक विधिक अधिकार के रूप में, मतलब अनुच्छेद 300 का में रखा गया और एक विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। लोकसभा और राज्यसभाओं की जो अवधि थी उसको 5 वर्ष फिर से कर दिया गया। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने के लिए फिर से उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इतनी चीज़ें की गई। तो 42वें संवैधानिक संशोधन और 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उन क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार का अगर सुझाव है तो उस पर कमेंट्स कीजिए, या फिर हमसे किसी प्रकार की कोई पॉइंट्स बताने में गलती हो गई है, कोई मिस्टेक है तो आप उसको बताइए, हम उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और साथ में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टडी से संबंधित आपके पास ग्रुप्स हैं उनको शेयर कीजिए। तो वीडियो आपको देखने के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।